तीन साल बाद पूर्णिमा और अमावस्या के बीच पहले एक लड़की गायब होती है, बाद में एक लड़का गायब होता है। जब तक मैं हूँ बाहर मत आना, समझी? मैंने आपको कबर्ड में बंद किया था, छुपाया था आपको वहां पे, तो आप यहां कैसे आ गए? यादव, यादव मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? मेरी बेटी मानवी, यादव जी वही निशांत थी कमरे में, मेरी आवाज में भी बात कर रही थी, पता नहीं कैसे वो... जाओ वरना यही खत्म कर दूंगी। बता मेरी बेटी का, बता। कल उस घर के बाहर तू ही थी ना जहां से वो बच्चा गायब हुआ था? बता, बता मेरी बेटी का, बता मेरी बेटी का, बता। मैं तीन तक गिनूंगी, बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना एक दो। मैडम जी ये क्या कर रही हैं आप, होश से काम लीजिए। नहीं यादव जी, हट जाइए आप, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इसी ने उन बच्चों को किडनैप किया और इसी ने मेरी बेटी को भी। मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं है और उन बच्चों को भी मैंने नहीं मारा है, साया ही उन्हें लेकर गया है। तो आज से 14 साल पहले मेरी बेटी को भी। देख के आती हूँ, तो मैं
तुझे क्या लगता है? तू कहानी सुनाएगी और मैं मान जाऊंगी? बता मेरी बेटी कहाँ है? आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? वो साया, साया भी उतना ही सच्चा है जितने कि मैं और आप उसे साया कहो, दाकिनी कहो या चुड़ैल, हर जगह हर गांव में उसे अलग अलग नाम से जानते। लेकिन ये साया बच्चों को मारता क्यों है? जितना 14 सालों में मैंने पता लगाया है, वो साया हर 3 साल में एक बार पूर्णिमा और अमावस्या की रात को एक लड़का और एक लड़की को लेके जाती है, उनका भक्षण करती है, उन्हें मार देती है और उसके बाद अगले दिन उनकी लाश किसी नदी या नाले में मिलती है। बकवास है ये सब, समझी तुम? बताओ, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अब सब कुछ जान कर भी अनजान क्यों बन रही है? क्या आपने उस साए को महसूस नहीं किया? मैंने आपकी आंखों में वो खौफ देखा है। पर अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने घर का आईना देख लीजिए, सब टूटे। जब मेरी बेटी को वो साया खींच कर ले गया था तो मैंने चीख चीख कर पुलिस वालों को, घर वालों को, सबको बताया, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी और मुझे पागलखाने भेज दिया। तब से लेकर आज तक मैं इस चीज का पता लगा रही हूं। देखो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। सुन रही हो तुम? मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो साया, चुड़ैल, जो कोई भी है, वो कहाँ लेके गई है? बताओ मुझे, प्लीज बताओ। आपकी बेटी तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, मगर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा है। पता नहीं आप वहां तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। मुझे मेरी बेटी किसी भी हालत में चाहिए। मैं उसके लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे। आपकी बेटी जहां से गायब हुई थी, आप मुझे वहां ले चलिए। इस साई की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है आईना। अगर ये अपने आप को किसी आईने में देख ले तो वो उसमें कैद हो जाती और उसी नरक में वापस चली जाती है जहां से वो आई थी। इसीलिए किसी भी घर में जाने से पहले वो अपनी शक्तियों से उस घर के सभी आईनों को खंडित कर देती है। मैडम जी, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। कल रात जो बच्चा गायब हुआ था उसकी लाश मिली है। What? प्लीज मुझे बताइए, मानवी कहाँ है? मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती, प्लीज बताइए। फर्श पर बने इस निशान को देखिए, ये वही निशान है जो उस काले साए के दुनिया के दरवाजों को बंद करता है। और अब इस निशान को इस शीशे में देखिए।
ये निशान इसमें उल्टा दिख रहा है और उल्टा निशान उस काले साई के दुनिया के दरवाजे को खोलता है। एक मिनट, दरवाजा खुल गया। ये उस काले साई की दुनिया में आपको अकेले ही जाना होगा। नहीं मैडम जी, आपको अकेले जाने नहीं देंगे, हम भी साथ चलेंगे। नहीं, ये असंभव है। तुम्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है और कहीं वो काला साया सूर्योदय के पहले। नहीं, मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। रुको, अपने साथ ये लालटेन ले जाओ। वहां कोई लाइट, कोई बैटरी नहीं चलेगी और अग्नि अपने आप में पवित्र है और इसे कोई शक्ति नहीं बुझा सकती। लेकिन याद रहे, उस साए का दूसरा नाम धोखा है, इसलिए आप सावधानी से जाइएगा और आपके पास सिर्फ सूर्योदय तक का ही वक्त है, संभल कर जाइएगा। आप जाइए और अपनी बेटी को दिल से याद करिए, उसे पुकारिए। आपकी ममता और आपका प्यार ही आपकी शक्ति है। जाइए।
बाली, उठो बेटा, देखो मम्मा आ गई है। देखो रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। बेटी चाहिए अपनी, पर अब तो वो मेरी हो चुकी है। मानवी, मानवी उठो। किन नहीं आता पूछ क्या? मानवी, मानवी बेटा उठो। तुम्हारी मम्मा है तो पूछो इससे, आज सुबह तुम क्यों चीख रही थी, क्यों डर रही थी, तुम पूछो इससे। मानवी, मानवी बेटा यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सच्ची मम्मा, मैंने अभी अभी वहां एक कॉकरोच देखा। मम्मा आज सुबह मैं क्यों डर गई थी, साबित कर दो मम्मा कि आप ही हो मेरी असली मम्मा। मम्मा पे विश्वास है ना? तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो बेटा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें मेरी बेटी चाहिए ना, लेके जा। दरवाजा बंद कर दिया। अब वो फिर से कभी नहीं आएगी।